हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं फ्लेवर सेवर्ड टमाटर के बारे में। एक ऐसा टमाटो जिसके अंदर जो पकने की जो प्रक्रिया है उसे डिलेट कर दिया है, मतलब लेट पकेगी, स्लो राइपनिंग है। नॉर्मली हम देखते हैं कि यदि एक प्लांट के ऊपर अगर फल आ रहा है तो अपने एक नेचुरल प्रोसेस से वो पकता है, और पकने के लिए जो जिम्मेदार है कि जो हार्मोन जिम्मेदार होता है वो एथाइलीन है। एक्चुअली एथिलीन जो पेक्टिन है, क्या कि जो सेल टू सेल जो अटैचमेंट होता है प्लांट्स के अंदर वो पेक्टिन से होता है, और पेक्टिन जो है वो बना होता है गैलेक्चुरोनिक एसिड का। तो एक पॉली गैलेक्चुरोनिक एसिड की जो श्रृंखला है वो मिलकर के पेक्टिन बनाते हैं। तो पेक्टिन एक हार्ड मटेरियल है जो सेल टू सेल, क्योंकि इस प्रकार से एक सीमेंट होता है ईंट से ईंट को जोड़ने के लिए, उसी प्रकार से सेल टू सेल जोड़ने के लिए पेक्टिन होता है। जब फ्रूट राइपनिंग होती है तो उस समय एथाइलीन जो हार्मोन है वो पेक्टिन की जो लेयर है उसे कमजोर करता है। तो इस पेक्टिन की लेयर को कमजोर करने से धीरे धीरे क्या है कि वो जो सेल्स हैं वो लूज हो जाती हैं, और जो फ्रूट जो है वो सॉफ्ट हो जाता है, और हम कहते हैं कि दिस इज मैच्योर, ये पक गया है। लेकिन एक कंपनी, कैलिफोर्नियन कंपनी जिसका नाम है कैलजीन, कैलजीन कंपनी, इन्होंने एक ऐसे टमाटर का आविष्कार किया, ऐसे टमाटर को बनाया जिसके अंदर फ्रूट राइपनिंग लेट होती है, डिलेड हो जाती है। देखो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि मान लो हम किसी फॉरेन कंट्री से कोई टमाटर मंगा रहे हैं तो वो ज़्यादातर शिप से आता है समुद्र के रास्ते, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, लगभग 1.5 महीने भी लग जाता है, 2 महीने, 3 महीने। विद इन 3 मंथ टमाटो है डिस्ट्रॉय मोस्टली, यानी कि टमाटर कभी भी बिना कोल्ड स्टोरेज के 3 महीने तक नहीं चलेगा, तो ये खराब हो जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने याद किया कि भाई क्यों ना हम एक ऐसा टमाटर बनाएं जो धीरे धीरे पके, लेकिन उसकी स्वाद में या इसकी जो क्वालिटी है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, वो वैसे की वैसी है। तो क्वालिटी यहाँ पर मेंटेन है। बाद में 1997 में इस कैलजीन कंपनी के सारे राइट्स और पेटेंट्स मोनसेंटो कंपनी ने लिए थे, तो मोनसेंटो कंपनी भी एक काफ़ी रेपुटेटेड कंपनी है मोनसेंटो। तो हम बात करने वाले हैं आज फ्लावर सेवर, जिस टोमेटो की मैं बात कर रहा हूँ उस टोमेटो का नाम है फ्लेवर सेवर, दिस इज टोमेटो। अगर हम देखें तो दिस इज द फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड, फर्स्ट GM जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड GM यानी कि ऐसे पादप जिनके आनुवांशिक पदार्थ में मॉडिफिकेशन कर दिया है, फेर बदल कर दिया है, उन पादपों को हम कहते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म या जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स। तो यहाँ पर जो फ्लेवर सेवर है इसके अंदर भी जीनोम में कुछ परिवर्तन किए गए हैं जिससे फ्रूट राइपनिंग जो है वो डिलेड हो जाती है या लेट हो जाती है। तो देखो यहाँ पर जो अपना एक चीज देखिए कि जो पैक्टिक है या पैक्टिन है, पैक्टिन
ये गैलेक्चुरोनिक एसिड से बनता है, गैलेक्चुरोनिक एसिड से बनता है, यानी कि ये मोनोमर है और पैक्टिन जो है वो इसका पॉलीमर है। अब इसको तोड़ने के लिए जो एंजाइम है उसका नाम है पॉली गैलेक्चुरोनेज। मैंने बताया ना भाई, ये पॉली गैलेक्चुरोनिक एसिड मिलकर के पैक्टिन बनाता भी होता है, पॉलीमर है, तो इस पॉलीमर को तोड़ने के लिए हमारे पास होता है पॉली गैलेक्चुरोनेज एंजाइम। तो ये इथाइलिन जो पॉली गैलेक्चुरोनेज एंजाइम है, ये पैक्टिन की जो लेयर है, इस पैक्टिन की लेयर को डिस्ट्रॉय करता है और जो फ्रूट है वो राइप हो जाता है, यानी कि FRUIT फ्रूट राइप हो जाता है, यानी कि फल पक जाता है। अब हमें इस प्रोसेस को रोकना है, बस सीधी सी बात है, देखो धीरे धीरे पकाना है, तो इसका मतलब है कि ये जो प्रोसेस है आप इसको रोक दीजिए। तो हमको पॉली गैलेक्चुरोनेज जो एंजाइम है इसकी जो बनने की जो प्रोसेस है उसे रोकना है। जब ये रोक दिया तो आगे की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे होगी, तो 2-3 महीने में जाके वो पकेगा। इतने टाइम में हम उसे कहीं से कहीं भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, तो क्वालिटी जो है उसमें कोई नुकसान नहीं होगा। देखो नेचुरली अगर आप देखें तो आप अगर फ्रूट को किसी प्लांट से नहीं भी तोड़ते हैं ना, तो भी वो एक समय ऐसा आएगा गिर जाएगा। क्यों गिर जाएगा? क्योंकि उस समय उसका सारा पैक्टिन के सेल टू सेल जो अटैचमेंट है वो ख़त्म हो जाता है, पूरा पैक्टिन गल जाता है और वो आसानी से गिर जाता है। तो हम इस जगह पर ये जो कंपनीज हैं, इन कंपनियों ने यहाँ इनकी इस प्रक्रिया को बदलने के लिए एक तकनीक है जिसका नाम है उसे अपनाया, इसका नाम है एंटी सेंस टेक्नोलॉजी, एंटी सेंस टेक्नोलॉजी ये हम आज पढ़ने वाले हैं। तो एंटी सेंस टेक्नोलॉजी के द्वारा इन्होंने फ्लावर सेवर टमाटर का आविष्कार कर दिया या खोज कर दिया, बना दिया। जो कैसे बनाया, देखो व्हाट इज एंटी सेंस, होती क्या है, कल हमने या मैं पिछले कई लेक्चर से कहता आ रहा हूँ कि भाई एक एंटी सेंस होता है, एक सेंस होता है। देखिए जैसे ये अपना दिस इज अ DNA, दिस इज 5', दिस इज 3', और दिस इज 5', और दिस इज 3', दिस इज 3, दिस इज 5, दिस इज 5, दिस इज 3। अब इस श्रृंखला में अगर आप देखते हैं तो एक श्रृंखला होती है 5' to 3' और दूसरी होती है विपरीत दिशा में 5' to 3'। जब भी ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा 3' to, जैसे मान लो मैं इधर दिशा दे रहा हूँ तो ट्रांसक्रिप्शन हमेशा इस 3' to 5' पर होगा। अगर मैं इधर देखूँगा तो इसके अनुसार होगा, ठीक है। अगर मैं जिसे यहाँ पर ये अलग से बनाता हूँ, मान लीजिए ये 5', ये 3', ये इधर 5', ये इधर 3', रेप्लिकेशन जो है ट्रांसक्रिप्शन रेप्लिकेशन वो सब हमारा 5' to 3' होता है। तो इसमें अगर हम देखें हमारा जो ट्रांसक्रिप्शन है वो भी 5' to 3' होगा, तो नीचे वाली श्रृंखला पर होगा भाई, जिससे हम टेम्पलेट कहेंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, ठीक है। इसे हम नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहेंगे, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और इसे एंटी सेंस सीक्वेंस भी कहते हैं। एंटी सेंस सीक्वेंस, ठीक है। तो ये जो एंटी सेंस जो है इसी का उपयोग हमने किया है। देखो जब हम इसमें RNA का निर्माण करते हैं, RNA कौन सा, mRNA, इस पादप के अंदर जितना जीनोम है उस पूरे के पूरे जीनोम से mRNA का निर्माण होता है, ट्रांसक्रिप्शन की क्रिया होती है, mRNA का निर्माण होता है। तो एक जगह पर ऐसा भी होगा जहां PG जीन या पॉली गैलेक्चुरोनेज जो जीन है उसको बनाने वाला DNA खंड भी होगा। भाई जो PG जीन है उसको बनाने वाला खंड भी तो होगा। अब मैं ये
कहूं कि जो एंटी सेंस यानी कि इसके ऊपर बनता है ये आरएनए, तो एंटी सेंस सीक्वेंस है, सेंस ऊपर वाली होती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि इस आरएनए में जो श्रृंखला बनेगी वो श्रृंखला इसकी श्रृंखला के अनुसार होगी। देखिए एग्जांपल के लिए मैं यहां पर एक सीक्वेंस लिखता हूं तब सही तरह समझ में आएगा। जैसे देखो एक सीक्वेंस मैं यहां लिख रहा हूं, मान लो एक है ए जी सी सी जी सी जी सी जी, इसके जो विपरीत हैं यहां पर वो है टी सी जी जी सी जी सी जी सी, दिस इज 5', दिस इज 3', दिस इज 3', दिस इज 5'। ठीक है, अब रेप्लिकेशन सॉरी ट्रांसक्रिप्शन हमारा होगा इस दिशा में, इसको हम कहेंगे एंटी सेंस, इसे हम कहते हैं एंटी सेंस और टेम्पलेट नॉन कोडिंग वो सब ये है, इसको हम कहेंगे सेंस कोडिंग नॉन टेम्पलेट। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो इस टी के साथ यहां पर जुड़ेगा ए, यहां जुड़ेगा जी, यहां जुड़ेगा सी, यहां जुड़ेगा सी, यहां जुड़ेगा जी, यहां जुड़ेगा सी, यहां जुड़ेगा जी, यहां जुड़ेगा सी और यहां जुड़ेगा जी। सपोज दैट एक ये खंड है जो अपना पीजी जीन के लिए है, ये खंड है समझो, ये पीजी जीन है। डीएनए हमारा जो सॉरी जो डीएनए से जो आरएनए बनेगा ठीक है वो ये बनेगा, आपको पता है ये बनेगा, ये किसके अकॉर्डिंग है, साइंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, आपको देख लीजिए ऊपर वाले में इस वाले में कोई अंतर थोड़ी है, अगर यहां एक भी टी नहीं आया, अगर टी आया होता तो टी के स्थान पर यू हो जाता, बस अंतर यही था। तो ये और ये एक समान है, इनकी ये सेंस के समान है। अगर मैं ऐसा कर दूं कि इस एंटी सेंस के अकॉर्डिंग एक जीन कंस्ट्रक्ट बनाऊं, इस एंटी सेंस के अकॉर्डिंग एक जीन कंस्ट्रक्ट बनाऊं और उस जीन कंस्ट्रक्ट को मैं सेल प्लांट सेल का जो न्यूक्लियस है उसमें डाल दें, यानी कि उसमें ट्रांसफर करवा दें, तो जब इसका ये एमआरएनए बनेगा ए जी सी सी जी सी जी सी जी, ये 5' to 3', ये एमआरएनए है। जब हमने एक जीन एक खंड डाला है जो इसका एंटी सेंस है, इसका एंटी सेंस ठीक है, इसका एंटी सेंस मतलब ये एंटी सेंस, तो उसका जो डीएनए से जो आरएनए बनेगा, समझिए बात को, कि ये इसके सेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, एक हम बनाते हैं एंटी सेंस के अकॉर्डिंग, मान लो मैं यहां पर ये डालता हूं इसी को उठा करके, इसे मैं इसके एंटी सेंस, तो क्या होगा कि इससे जो एमआरएनए बनेगा, देखो इससे एमआरएनए कौन सा बनेगा, इससे तो एमआरएनए ये बन गया, लेकिन जब इसका हम उल्टा करेंगे तो ये बनेगा, यहां पर होगा यू, ये सी, ये जी, ये जी, ये सी, ये जी, ये सी, ये जी और ये सी, इनमें आपस में बॉन्डिंग हो जाएगी, यानी कि यहां पर ये डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा। और जब डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाता है तो इसका आगे फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होता, जब फर्दर ट्रांसलेशन नहीं होगा तो जो हमारा पॉलीगैलेक्चुरोनेज एंजाइम है, पॉलीगैलेक्चुरोनेज एंजाइम, उस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा, जब उस एंजाइम का प्रोडक्शन नहीं होगा तो फिर फ्रूट राइपनिंग धीरे धीरे होगा, एकदम से नहीं होगा, फ्रूट राइपनिंग डिलेड। तो ये क्रिया या ये मैकेनिज्म अपनाई गई थी फ्लेवर सेवर के अंदर, जिसके अंदर टमाटर ऐसा टमाटर बना दिया जिसको पकने में टाइम लगता है, यानी कि जल्दी से नहीं पकता है, धीरे धीरे पकेगा, स्लो करके पकेगा, खराब नहीं होगा, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस आपको यहां समझना है भाई, ये सेंस स्टैंड है, जो एमआरएनए बनता है वो हमेशा सेंस के अकॉर्डिंग बनता है, यानी कि ये जैसा बनेगा, जैसा ये है ऐसा ही बनेगा। अब मैं कह रहा हूं कि एक एंटी सेंस डीएनए सीक्वेंस हम डाल देते हैं,
तो वो जो आरएनए बनाएगी वो इसके अकॉर्डिंग बनाएगी, एंटीसेंस डाला है ना, तो इसके अकॉर्डिंग बनाएगी। इसका मतलब कि इसका एमआरएनए जो बनेगा वो तो ये बनेगा, और इसका जो डीएनए, इससे जो आरएनए बनेगा वो ये बनेगा, एंटीसेंस। भाई ये तो एंटीसेंस है, ये सेंस है, तो सेंस कारण ये हो गया, एंटीसेंस कारण ये हो गया। इन दोनों में क्या हो जाएगा, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, यानी कि दोनों आरएनए श्रृंखला आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बन जाता है। तो इसका नहीं तो आगे फर्दर ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसक्रिप्शन हो चुका है, ट्रांसलेशन नहीं होगा, जिससे पीजी यानी कि पॉलीगैलेक्ट्रोलेज एंजाइम नहीं बनेगा। और जब ये एंजाइम नहीं बनेगा तो फिर जो सेल टू सेल जो अटैचमेंट है वो एकदम से ढीला नहीं पड़ेगा, और टोमेटो जो है वो धीरे धीरे करके पकेगा। तो इतने टाइम में, जब तक ये पकेगा इतने टाइम में हम इसको आसानी किसी भी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो ये था भाई फ्लेवर सेवर, ये आपको बता दिया भाई कैलजिन कंपनी ने सबसे पहले बनाया था, उसके बाद इसके सारे राइट्स पेटेंट्स जो है वो मोनसेंटो ने ले लिए। दिस इज द फर्स्ट जीएम फूड, ये ध्यान रखना भाई, ये पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है जिसे पब्लिक के लिए लॉन्च किया गया था 1980 में। थैंक यू वेरी मच।